सो हेलो सोलो पुशर्स, की हाल चाल। आई होप आप लोग सब बढ़िया ही हो गए। तो यार स्वागत है आप लोग का एक और न्यू सोलो कॉन्कर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। तो आज वाला वीडियो भी यार हर बार की तरह मजेदार ही होने वाला है, तो बिल्कुल यार लास्ट तक देखना, कहीं पे भी मिस मत करना। फिलहाल अपनी लैंडिंग हो चुकी थी इग्लू पे, और भाई यहाँ भाई उतरने के बाद सबसे पहले गन की नीड होती है, और ये भाई सब चक्कू चलाने में नाकामयाब, और इनका एक किल अपने हाथ। और फाइनली इधर अपने टू किल्स कंप्लीट हो गए, और इधर ये तीसरा बंदा आ रहा है, जो कि एक समय के लिए मेरे को बॉट लगा था और बिना हेल्थ मारे मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था, और खैर ये मर भी गया। पता रहता ये बंदा है तो भाई शायद मैं मर जाता, बॉट समझ के मैं इसको मारा, और हेल्थ तो आप लोग ने मेरा देखा ही होगा। और अब यार यहाँ पे मेरे को हेल्थ किट की ज़रूरत थी, तो मैं सोचा यार चलो यहाँ पे बूस्ट कर लेते, उसके बाद लूट थोड़ा जो भी है करेंगे, ऑटो गन भी तो चाहिए। तो यहाँ पे सारा कुछ करके अब लूटते हैं। जब तक आप लोगों को मैं बता दूँ कि फ़िलहाल इस वाली आईडी पे मेरा अभी डायमंड चल रहा है टीयर, और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था कुछ इशू की वजह से, शायद कल नहीं डाला था मैंने। हाँ बट यार देखो ये वाली आईडी बहुत स्लो पुश हो रही थी, बट अब इस वाली आईडी में थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, और मतलब डायमंड हो चुका है, डायमंड 3 हो चुका है, ठीक है। तो बस आप लोग गेम प्ले इन्जॉय करो। ये वाला गेम प्ले में आप लोग देख सकते हो जैसा कि 3 किल्स इधर हो चुका है, और हाँ आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा वीडियो में आगे, तो यार वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। और हाँ आप लोग अपना रैंक इंटीयर कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और अब देखो यार बंदे बहुत सारे इधर थे, और भाई कैंपर तो इधर रहती है बहुत, तो मैं सोचा यार चलो यार पहले थोड़ा सा लूट कर लेता, उसके बाद बंदे स्पॉट करके मारूंगा। फिर उतने में यार मेरे को पता चलता कि सामने बंदा है, ठीक है। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि एक ऑटो गन उठा लेता हूँ। और ये वाले भाई साहब बहुत हार्ड पिक करके बैठे हुए थे, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरी एचपी कितनी लो कर दी थी इसने। मेरे को मॉली फेंकना चाहिए था, बट मैंने रिस्क लिया और फाइनली इसको किल कर दिया। 4 किल्स अपने हो चुके इधर कंप्लीट, और अब बारी है इधर पेटी लूटने की, और मैं पेटी लूटने लग जाता हूँ। और अब बारी था यार बंदों के ऊपर पुश करने का, क्योंकि यार अपने से तो बंदे निकलने वाले हैं नहीं, सारे कैंपर्स होते इधर, तो मैं इधर आ गया पुश करने। और भाई बंदे इधर इसी वाले घर पे थे, और इधर मैंने सोचा 2 मॉली फेंकता हूँ। बंदे को पैनिक करता हूँ मैं हमेशा यार सोलो में, जब भी खेलता हूँ ना 2-4 मॉली नेट फेंक देता हूँ कि बंदा थोड़ा पैनिक हो जाए पहले से। और हाँ देखो अभी इस वाले बंदे को कैसे निपटाएंगे वो तो देखना ही तुम लोग। उससे पहले एक और बात बता दूँ, अगर आप लोग भी यार पेड पुश करवाने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई अब मेरे को भाई दोनों तरफ से पढ़ने लग गई थी, मैं बहुत तरह से फंस चुका था, बट यहाँ पर मॉली बेस्ट टाइम पर एंड हो जाती है, और मैं आ जाता हूँ घर के अंदर। और यहाँ पे जैसे ही हेल्थ लगाता हूँ बंदा जो है बाहर कूद चुका है, और इस वाले बंदे को अभी जो मारूंगा ना तुम देखना, इस वाले बंदे को जैसे ही मारता हूँ ना भाई पीछे एक और बंदा था, उससे सवर नहीं होता है, और वो उड़न शक्ति का यूज करके अपने पास आ जाता है, जैसा कि आप लोगों को दिख गया होगा। और अब यार बैक टू बैक फाइट यहाँ पे, और जैसे तैसे करके इस वाले भाई साहब को भी निपटा देते हैं। भाई यहाँ पे टोटल अपने 6 किल्स हो चुके थे, और हाँ यार अब मेरा टीयर थोड़ा हाई हो गया, और लॉ भी एकदम प्रॉपर आ रही है। और भाई पहले जितने किल्स निकल के केडी बढ़ रही थी, अब उतने ही तेज़ी से केडी नीचे जा रही है। बट कोई नहीं यार, आप लोग भी अपना रैंक एंड टीयर ज़रूर से मैंशन कर देना कमेंट में, और यार सपोर्ट करो थोड़ा, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर से कर देना अपने दोस्तों को जो भी यार सोलो रैंक पुश करता है। फिलहाल देखो इसको जैसे ही मैं ग्रेनेड से मारने की कोशिश कर रहा था, पीछे से यार बॉट आके मेरी लोकेशन दे ही दिया, क्योंकि सामने वाले घर पे एक बंदा था, तो अब मेरे को भाई उस पर रश करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बच गया। और हाँ पेड पुश के लिए आप लोग बता सकते हो, ये पहली आईडी इस सीज़न की पेड पुश की, और अब बारी था यार बंदे पे रश करने का। भाई वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, बट यहाँ पे दीवारों के कान आँख नाक मुंह सब थे। इधर ये वाला बंदा लूट रहा था, और भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और बगल से आके आप आवाज़ सुन सकते हो। भाई यही होता है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रगल, समझ रहे हो ना, मतलब एकदम यार बहुत जैसा तैसा हो रखा है यार, वीडियो इसी वजह से मिस हो रहा है। और भाई इस पर नेट का बारिश करता हूँ, बट यार बंदा बहुत ज़्यादा लकी था, बच जा रहा था। और अब देखो मैं इस पर सोचता हूँ कि चलो रश कर देते यार, फिर पता चला बंदा तो सामने है, उसके बाद मैं डर के नीचे आया, थोड़ा फ्री फायर दिया कि बंदा नीचे ना आया जब तक मैं हेल्थ लगा लूँगा, बट यार बंदा नीचे कूद चुका था। और भाई इतना ज़्यादा मेरे को इसने पैनिक कर दिया, क्या ही बताओ यार, मैं इसको पैनिक कर रहा था बट इसने मेरे को पैनिक कर दिया, और अब ये चढ़ गया।
और भाई यार मैंने पूरी कोशिश की अपने तरफ से 1000%, बट यार ये वाला बंदा मेरे को मार देता है। और अपने 7 किल्स इधर इग्लू पे हो चुके थे और अब बारी था थोड़ा सेफ खेल के चिकन डिनर तक जाने का। तो यार बस अब आगे का गेम प्ले देखो जब तक। हाँ, ये मेरी इस सीज़न की पहली आईडी है जिसको मैं कॉन्कर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं और भी आईडी पेड पुश करने वाला हूँ, तो आप लोग यार ज़रूर से कॉन्टैक्ट करना, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। तो चलो बढ़ते आगे। इग्लू पे मरने के बाद मैं उतरा था पोचिंग की और सामने वाले घर पे एक बंदा था ब्लू वाले पे। और अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार इस पे रश करने का सही मौका है, रश करके नेट वेट डालते हैं और यहाँ पे अपना शक्तियों का इस्तेमाल करके स्पीड में जाएंगे, क्योंकि हल्के में जाएंगे तो भाई बंदा है जो ईजी निपटा देगा। तो पहले ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ, मेरे को लगता है कि बंदा गेट पे होगा और पहला ग्रेनेड गया। मैं बोला चल यार मर तो जाएगा, बट ये नहीं मरा। और उसके बाद फिर से शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ और मैं सोचता हूँ बस के पीछे जाऊँगा, और भाई इसने अच्छा डैमेज तो दिया, बट अब मेरे को पता था कि अब मेरे पे नेट आने वाला है। तो पहला नेट पहले मैं कुक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वो बंदा इधर उधर कर रहा था, वो नेट तो कुक नहीं करेगा। और ये नेट से बंदा फूटा कैसे नहीं पता, आई थिंक नेट पीछे चल गया। और उतने में इसका भी नेट आया, बट इसको ईजिली फिनिश कर डाला, क्योंकि मेरे को पता था मैं ADS लेके ही इस पर रश करूँगा। बिना ADS लिए रश करने का कोई मतलब नहीं। और 9 किल्स अपने हो चुके थे कंप्लीट। और बस अब आगे देखो, यहाँ पे टॉप 14 भी हो चुका है, बट अभी जो मेरे साथ होगा तुम लोग देखना और बोलना भाई। इस चीज़ से आप लोग को एक सबक मिलेगा और हर गेम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही होगा, अगर आप लोग सोलो पे रैंक पुश करते हो तो, कि भाई इस वाले मैच में मैंने ये गलती की थी, अगले मैच में नहीं करूँगा, नहीं तो यार माइनस लगेगा, नहीं तो यार मेरा गेम बर्बाद जाएगा, ऐसा तो आप लोग सीखते ही होगे। अब देखो जोन में मैं जा ही रहा था कि अच्छा सा पोजीशन लूँगा और किल्स नहीं निकालूंगा, ज़्यादा चिकन डिनर पे ज़्यादा फोकस करूँगा। उतने में यहाँ पे शक्तिमान दिखता है, ये कहाँ का है वो है ये तो नहीं पता, बट यार अभी मैं सोचा कि यार सामने वाले बंदे को अपन इजीली मार सकते हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा हेल्थ लगा के आगे निकलते हैं। और यहाँ पे मैं बस किल के लालच में रुका था, और बस आप देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला है। अभी मैंने हेल्थ मारा और मैं सोचा यार जल्दी से बग्गी पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे जो बंदा गया है ना ये मेरे को स्पॉट कर ही लेगा, और यहाँ पे पीछे मेरे टेंपल पे भी बंदा, मतलब दोनों तरफ से मैं फंसूंगा। तो मैं तुरंत ही बग्गी निकालता हूँ, ये बंदा मेरे को देखो ओपन में दिख जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है देखो दिख गया। अब मैं सोचा इसको उतर के ईजी किल कर दूंगा, 10 किल्स अपने हो जाएंगे। और अब देखो मैं उस पर क्या रश करता कि पीछे से ये वाले बंदे ने मेरे को धप्पा दे दिया और भाई यहाँ पे मेरा पेट ही बन गया। तो यार आप लोग को यही सीखना है कि कभी भी लालच नहीं करना किल के लिए। और इस वाले गेम में अपने को अच्छा खासा प्लस मिल गया था, जैसा कि आप लोग को लास्ट में दिखा दूंगा। और भाई यहाँ पे इस वाले बंदे का भी पेट ही बन गया। तो इस वाले गेम में मिला था अपने को 28 का प्लस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की गाँव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।